यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर आफताब रहमत है और मैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्रीज का चेयरमैन हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नेशनल न्यूज़ का, जिन्होंने इस ख़ास मौका पर अंजील की मनादी का मौका फ्राहम किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। आइए आज की तलावत मिलकर खुदा के कलाम में से देखते हैं। मेरे साथ देखिए लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 46। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। अजीजों, आज मसीहियों के लिए खास तौर पर और बनी नौ इंसान के लिए आम तौर पर, हर एक बशर जो जमीन पर है उसके लिए नजात का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह की सलीबी मौत कफारा के तौर पर दी गई और यीशु मसीह की इस सलीबी मौत और कुर्बानी के बाइस नस्ल इंसानी का बाप के साथ इलहाक हो गया। बाप और इंसान के दरमियान जो खला था, जो फासले थे, वो दूर हो गए और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके बहिश्त के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। अजीजों, यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही इसी काम के लिए था कि जमीन पर रहकर कुर्बान हो, क्योंकि इंसानों के लिए यह जरूरी था कि वो कुर्बानी दे। सो अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि सातवीं दफा यीशु मसीह की जुबान मुबारक खुलती है और यीशु मसीह सातवां कलमा अपनी जुबान मुबारक से अदा करते हैं। हम देखते हैं लिखा है, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह सातवीं दफा यीशु मसीह की जुबान मुबारक खुली है। गसमनी से लेकर जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, सलीबी मौत और इस आखिरी कलमे तक अजियतनाक वक्त था। यीशु मसीह को पकड़ा गया, रात के अंधेरे में उस पर मुकदमा चलाया गया, यीशु मसीह की जाते अकदस पर बोतान लगाए गए, उसे जलील किया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी कमर पर बैंत लगे, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसके चेहरा मुबारक पर थूका गया। फिर एक भारी सलीब उठाकर खोपड़ी के मकाम तक ले जाया गया और उस मकाम पर जाकर हाथों और पांव में कील ठोके गए ताकि सलीब पर जड़ा जा सके। यह कोई आसान काम नहीं था, ये इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन यीशु मसीह ने नस्ल इंसानी के लिए यह सब कुछ किया। और यह आखिरी कलमा जो यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकलता है, यह सातवां है और सात का अदद जो है यह बाइबल मुकद्दस में कामलियत का अदद गिना जाता है, कंप्लीशन का अदद गिना जाता है। दर हकीकत अगर हम गौर करें तो इस सातवें कलमे के साथ ही कफारा का काम पूरा हो गया। आप देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर 6 दिन में इस पूरी कायनात को बनाया गया, मखलूकात बनाए गए और सातवें दिन आराम किया गया। खुदा ने सातवें दिन आराम किया। इसी तरह मसीह ने बनी नौ इंसान की निजात का काम मुकम्मल करने के बाद अपनी रूह अपने बाप के हाथ में सौंप दी। मैं
बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ इस कलमा को शेयर कर रहा हूं। यीशु मसीह ने स्लीप पर इंतहाई तकलीफ और कमजोरी की हालत में, क्योंकि कील और कील लगने के बायस और इसके साथ साथ कोड़े लगने के बायस, बैंड लगने के बायस इतना ब्लड लॉस हो चुका था, इतना ब्लड निकल चुका था कि लागर यीशु मसीह बहुत कमजोर हो चुके थे। लेकिन 7 बार यीशु मसीह की जुबान मुबारक खुलती, और यह कोई अचानक कोई इत्तफाक से नहीं हुआ कि 7 कलमे जो है वो यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले। ये पेशन गोइयां थी, बल्कि हजारों साल पहले अंबिया ने खुदा का कलाम बयान कर दिया था। आइए जरा इससे पहले कि हम 7वें कलमे पर गौर करें, आइए जरा बाकी के 6 कलमे जो हैं उनके बारे में हम देखें कि वो किस तरह से सलीब पर बोले गए, और क्या वो नए थे, क्या वो उससे पहले बाइबल मुकद्दस में इन अल्फाज का जिक्र है या नहीं। अगर हम पहले कलमे की तरफ चलते हैं तो ये हमें लूका की इंजील 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में मिलता है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये गुनाहगारों की शिफायत के बारे में कलमा बोला गया है। अजीजो, इस कलमा को यशाया नबी पहले ही कलाम में बयान कर चुके थे, रूह की हदायत से, नबूवत की राह से, और लिखा है उसने खताकारों की शिफायत की। हालेलुया, ये यीशु मसीह की जुबान मुबारका से जो पहला कलमा निकलता है बोला जाता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये यशाया नबी ने पहले से ही पेशनगोई कर दी थी और उसने लिखा कि उसने खताकारों की शिफायत की। दूसरा कलमा अगर हम देखें तो वो हमें लुका की इंजील 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत में मिलता है, और वो कलमा है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। गुनाहगारों की निजात के बारे में पेशनगोई की गई है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। यह किसी रास्तबाज को नहीं कहा जा रहा था, यह किसी प्रीस्ट को नहीं कहा जा रहा था, यह किसी बड़े दुआगो शख्स को नहीं कहा जा रहा था, यह एक डाकू से हमारे मुनजी दो आलम यीशु मसीह की गुफ्तगू हो रही है, और यीशु मसीह से फरमाते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इस पेशनगोई को अगर आप देखें तो मत्ती की इंजील 1वां बाब उसकी 21वीं आयत में हमें मिलेगा, इसके बेटा होगा और का नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों के गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, ये दूसरा कलमा जो है ये भी पहले से ही पेशनगोई कर दी गई थी। तीसरे कलमे की तरफ चलते हैं, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत में हमें मिलता है, और ये मोहब्बत का कलमा कहलाता है, ए औरत देख ये तेरा बेटा है। और इसकी जो पेशन गोई है वो हमें लूका 2वां बाब उसकी 35वीं आयत में मिलता है, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। ये पहले से ही पेशन गोई कर दी गई थी। सो आइए चौथा कलमा देखते हैं, मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत में देखें तो लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही सेम टू सेम ये अल्फाज जो है ये हमें जबूर 22 और उसकी 1 आयत में मिल जाते हैं, लिखा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वां कलमा अगर हम देखें तो ये हमें यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और 28वीं आयत में मिलता है, मैं प्यासा हूं, और जबूर 69 उसकी 21वीं आयत में ये लिखा है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उन्होंने एक स्पंज को सिरके से भिगोकर उसके मुंह को लगाया। सो ये 6ठा कलमा अगर हम देखें तो ये हमें यूहन्ना 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में हमें मिलता है, तमाम हुआ, इट इज फिनिश। जबूर 22 और उसकी 31वीं आयत में देखें तो उसने ये काम किया। मेरे अजीजों, ये 6 के 6 कलमे ऑलरेडी पेशन गोई के तौर पर पहले ही हमें मिल चुके थे, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत
हमारे साथ देखिए कि उसने स्लीपर से एक नए हुक्म को जारी कर दिया, ताकि हम कैसी भी हालत में हो, हम किसी भी मुश्किल में हो, हम किसी भी परेशानी का शिकार हो, हमें इन तालीमात को मानना है और यीशु मसीह के फॉलोवर बनना है। और सातवें कलमे की तरफ चले तो जो हमने अभी देखा लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 46वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जबूर 31 उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह खुदा और मसीह की रफाकत की बहाली है, यह रफाकत दोबारा से बहाल हो, यह सातवां कलमा दोबारा से बाप और बेटे को एक कर रहा है। अगर आप चौथा कलमा देखते हैं तो वहां पर जुदाई नजर आ रही है। यीशु मसीह ने फरमाया, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि खुदा की आंख इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, और स्लीप पर यीशु मसीह ने कुल जहान के गुनाहों को उठा लिया था, इसलिए बाप ने एक लम्हे के लिए अपना मुंह अपना चेहरा बेटे से अलग कर दिया। लेकिन सातवें कलमे में हम देखते हैं बाप और बेटे के दरमियान दोबारा से रफाकत हो रही है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बेटे का यानी कि यीशु मसीह का बाप पर मुकम्मल भरोसा है कि और कोई दूसरी जगह नहीं है जहां बेटा अपने आप को महफूज और अपने आप को ब्लेस नहीं फील करता, सिर्फ एक ही जगह है और वो बाप की हजूरी है, वो बाप की हजूरी में ही जा रहा है, आया भी बाप की हजूरी से था और जा भी वापस बाप की हजूरी में रहा है। याद रखिए मसीह कामिल फरमानबरदारी का आकाश है, और हम अगर यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो हमें भी अपने बाप पर पूरा ट्रस्ट करना है, पूरा भरोसा करना है। हम जमीन पर रहते हुए अच्छी हालत में हो, हम जमीन पर रहते हुए बुरी हालत में हो, हमें पूरा भरोसा बाप पर करना है, क्योंकि मसीह हमें सिखा गया कि हमें बाप पर भरोसा करना है। ये रूह की हकीकी पनाहगाह के बारे में बयान करता है, और हमारी रूहों को इससे बेहतर कोई और जगह नहीं मिल सकती। अगर कोई और जगह का मुतमन्नी है तो वो जगह ईमानदारों के लिए नहीं है। अजीजो मुझे और आपको यीशु मसीह की हजूरी में ही रहना है, बाप के पास ही जाना है, और बाप हमें कबूल करेगा। याद रखिए मसीह ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें भी अपनी रूहों को बाप के हवाले करना है ताकि मौजूद जगह पर रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और बाइबल मुकद्दस में एक गरीब और अमीर दो अशखास की कहानी भी बताती है कि लाजर और गरीब आदमी। लाजर को इसलिए अच्छी जगह मिली क्योंकि वह जमीन पर रहते हुए फरमाबरदारी में रहा, और अमीर शख्स जो है वो अजाब की जगह में गया। अजीजो ये जो आराम की जगह है वो खुदा की हजूरी है, खुदा का तख्त है, उसके करीब जाने के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया कि अब आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने आप को उसके हवाले करें, अपने खानदान को उसके हवाले करें, अपने बिजनेस को उसके हवाले करें, और उस पर कामिल भरोसा रखें, उस पर कामिल ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वही हमें अच्छी जगह पर लेकर जा सकता है, वही हमें कबूल कर सकता है। आइए दाऊद की तरह जिस्म और रूह में कहें, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा मोहकम किला है, तू मेरे छुपने की जगह है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतरक के साया में सुकूनत करेगा। अजीजो जबूर कानून में उसकी पहली आयत जो हमने अभी पढ़ी है ये मेरे और आपके लिए बाबरकत है। आइए जिंदा रहते हुए भी उसके हजूर रहें, और जब हम यहां से जाएं तो यीशु मसीह की तरह हम भी ये कह सकें, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद आप सबको इस कलमे के वसीला से, इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के पाक नाम से आपके कदमों में आते हैं और शुक्र करते हैं कि आपने आज इस गुड फ्राइडे के
दिन हमें जिंदा रखा, हमें तौफीक बख्शी कि हम आपके कलाम को सुन सकें। ऐ खुदावन, जिस तरह आपने अपने बाप के हाथ में अपनी रूह को सौंपा, हमें भी हर रात हर दिन इस बात के लिए तौफीक बख्श दीजिए कि हम अपनी रूहों को, अपने खानदानों को, अपनी हर चीज़ को बाप के हाथ में सौंपें, ताकि बाप की हजूरी के अलावा और कोई बेहतरीन जगह हमारे लिए नहीं हो सकती। खुदावंद इस गुड फ्राइडे पर अमन अमान रहे, और खुदावंद जहाँ जहाँ इबादत हो रही हैं बाबरकत रहें, और खुदावंद हम यीशु मसीह के सलीबी कलमात के वसीला से अपनी ज़िंदगी बदलें। खुदावंद यीशु की इस बड़ी कुर्बानी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।